एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके लिए मैं अपनी कार में बैठ चुकी हूँ। आज की वीडियो होने वाली है 24 आवर्स मैकडोनल्ड। सो मैकडोनल्ड मेरा वन ऑफ द फेवरेट खाने वाली जगह है, एंड आज पूरा दिन खाने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या क्या चीजें न्यू ट्राई करने वाले हैं, बिकॉज मैंने मैकडोनल्ड से ना ज्यादा चीजें कभी ट्राई नहीं करी है। मेरा हमेशा एक फिक्स्ड मेन्यू रहा है। सो आई एम गोना ट्राई अ लॉट ऑफ डिशेस, एंड मेरे साथ होगा मेरा बूबू, माय बॉयफ्रेंड। एंड बॉयफ्रेंड ने, अब तो शादी भी होने वाली है तो कुछ भी कह सकते हो। सो अभी आई एम गोइंग टू पिक हिम स्टूडियो के नीचे, एंड उनको पिक करके देन लेट्स गो टू मैकडोनल्ड फॉर आवर ब्रेकफास्ट। लेट्स गो। सो गाइज, ही इज हियर, एंड बूबू आज हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं? सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट है, अभी 12 बज रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सुबह कौन उठाते नहीं जल्दी। मैंने इनको स्पेशल अभी मैकडी के लिए लेके आया है। सो हम लोग ना जनरली सिर्फ मैक आलू टिक्की मील खाते हैं, कोल्ड कॉफी और वो सब, बट आज कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, रेगुलर वाला नहीं करना। कुछ ब्रेकफास्ट मेन्यू हम जाके देखेंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। हम जो जा रहे हैं द्वारका वाले मैकडोनल्ड जा रहे हैं। वैसे आपको क्या खाने का मन है, वेज नॉन वेज क्या ट्राई करना चाहोगे आज आप मैकडी का? मटन नहीं मिलता मैकडी में, आई थिंक नहीं मिलता मटन। मटन से रिलेटेड चीजें नहीं खाने का मन कर रहा है। चलो सो ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं, उसका टेस्ट कैसा है। लेट्स गो। सो गाइस, ये है हमारा ऑर्डर, हॉट कॉफी फॉर हिम, कोल्ड कॉफी फॉर मी, फ्रेंच फ्राइज, मैक एग एंड मैक आलू टिक्की फॉर ब्रेकफास्ट। सो गाइज, हॉट कॉफ़ी के साथ, मतलब आप ऐसे तो ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, या फिर आपको ऐसे मिल्क के प्रीमियम मिलते हैं क्रीम्स, एंड आप इसमें डाल सकते हो और फिर आप इसको मिक्स कर सकते हो। हॉट कॉफ़ी तैयार। इसमें हमने कर दिया शुगर ऐड, शुगर ऐड कर दिया एंड मिक्स, एंड ये बिल्कुल हॉट एंड ये बिल्कुल कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। हमारी प्रॉपर ब्रेकफास्ट है जो हमें पड़ा है, कितने का? 234 रुपीज़ की हमें दो मील पड़ी है। ये 234 में दो लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, डन। सो गाइस, कोल्ड कॉफ़ी को 10/10 मार्क्स दूंगी, बिकॉज ये बहुत यम्मी एंड बहुत थिकेस्ट कॉफ़ी होती है मैकडी की, सो आई जस्ट लव इट। हॉट कॉफी, हाउज इट? बढ़िया है, मॉर्निंग आपकी नींद खुल गई। पूरी क्यों, मतलब खुल जाएगी। सो गाइज, ये है मैक एग। सॉरी, इसके अंदर ये बहुत ही सॉफ्ट इसकी बन है, एंड अंदर है इसमें ये फ्राई होता है ना, फ्राइड एग और कुछ भी नहीं है, थोड़े से अनियंस हैं, एंड ये बस यही है, पूरा मसालेदार। आप देख रहे हो, वाह, फुल स्पाइसी मसाला भरा हुआ है। हेल्दी है, काइंड ऑफ हेल्दी आप कह सकते हो। गो हैव अ बाइट। सो दिस इज मैक आलू टिक्की, माय एब्सोल्यूट फेवरेट। इसके अंदर बहुत सारी मेयोनीज होती है, टोमेटो वाली क्रिस्पी सा ये होता है टिक्की, एंड देन नीचे कुछ नहीं होता, बन अलग से गर्म है, एंड ये बहुत यम्मी होती है। सो लेट्स टेक अ बाइट। बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट होता है, मस्त एकदम, और अफोर्डेबल भी है। सो गाइज, मॉर्निंग में तो हमारा पेट पूरा भर चुका था, एंड अभी जो है हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और 3 बज गए हैं कुछ भी खाने का, तो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ आइसक्रीम, मैक फ्लोट, ऐसा कुछ कुछ ऑर्डर करते हैं। क्या फेस क्यों बना दूँ? हम कुछ ऐसा ऑर्डर करते हैं। सो खोलो जोमैटो, अब हम जा नहीं रहे क्योंकि हम बहुत ही लेजी हो रहे हैं, अब हम घर पे मंगाएंगे यहीं पे। सो अब हम देखते हैं कि क्या मंगाते हैं, थोड़ा सस्ता भी हो और सही सही पड़ जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑनलाइन क्या मंगा सकते हो। अभी जो हम ऑर्डर कर रहे हैं जोमैटो से कर रहे हैं, बर्गर वाले साइड से हम कुछ भी ऑर्डर नहीं करेंगे। सो हम ऑर्डर करते हैं आइसक्रीम वाला, इसका कुछ मेन्यू खोलो ना, आइसक्रीम या मैक फ्लोट टाइप वो करेंगे। गाइज, इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे ही सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, आप दिखा दो। यहाँ पे लिखा आएगा ना, तो वो सर्च मेन्यू में क्या सर्च करूं? क्या बोलते हैं इनकी आइसक्रीम्स को, वो जो ओरियो शेक वेक वाला मैक फ्लोट मंगा दो यार। आइसक्रीम से सर्च नहीं हो रहा ना, मैक फ्लोट मंगा दो या फिर मंगा दो, क्या बोलते हैं उसको, मैक फ्लोट
मैकफ्लोट पे सर्च ही नहीं, क्या पता ये नई बेचते हैं भाई आइसक्रीम, आइसक्रीम पिघलने के चक्कर में। अरे भाई भेजते हैं यार लोग आइसक्रीम मंगाते हैं, दिल्ली गर्मी में बाहर निकलते निकलते रात में पिघल जाता है, 6 किलोमीटर आने में तो पानी में मेन्यू अब आएगा ना डेजर्ट में आएगा, हम गलत लिख रहे हैं आइसक्रीम लिख रहे भैया, ये मैकडी है महंगी बातचीत है, लोकल आइसक्रीम नहीं। ये ले लो पाइनएप्पल मंगा लो यार, थोड़ा पाइनएप्पल खाओगे बाहर से 50 रुपए का इतना बड़ा आएगा, 10 पीस खाओगे पाइनएप्पल के इनसे। मैं कर रहा हूँ ना पे, तो आप कर रहे हो तो कुछ भी मंगाओगे। नहीं यार पाइनएप्पल इन बड़ा अजीब सा होता है, पैसे वाला एक ही मंगा ले क्या, मैकफ्लोट मंगा ले साथ में ना, रहने दे फिर तू सारा खा जाती है, मेरे लिए छोड़ेगी नहीं। मंगा दू आइसक्रीम मंगा दू फिर आपके लिए, मैकफ्लोट ही मंगा लो मैकफ्लोट। तो गाइज हमने किया है मैकफ्लरी चोको क्रंच 109 रुपए का, रेगुलर मैकफ्लरी ब्लैक फॉरेस्ट 87 रुपीज का, इसमें हम थोड़े कूपन कोड लगाएंगे, ऑर्डर करते हैं आने के बाद बताएंगे मैकडी का आइसक्रीम नहीं डेजर्ट कैसा है, सो वेट फॉर इट गाइज। टंटाना ये आ गया है हमारा मैकडोनल्ड से पैकेट एंड बहुत ही क्यूट छोटा सा आया है, सो 15-20 मिनट में आ गया है हार्डली, क्योंकि मैकडोनल्ड ज्यादा दूर नहीं है हमारे स्टूडियो से। सो नाउ लेट्स सी, 3 चम्मच एंड एक बड़ा वाला जो मेरा है एंड कितना छोटा ही है, बड़ा क्या ये तो कितना छोटा ही है, ये पूरा साइड से चॉकलेट लबड़ी हुई है इस पे, दिस इज इसे थोड़ा खराब हो गया है। एंड सेकेंड वन इज दिस वन मैकफ्लरी एंड लेट्स ओपन इट, पहले हम ये वाला छोटा वाला खाएंगे, देखते कैसा है, अंदर पूरा पिघल गया है ये लिटरली, मैं आपको दिखाती बेटी। तो गाइज दिस इज द हालत, अंदर ब्राउनी है एंड पूरा इसका शेक बन चुका है मैकफ्लरी एंड टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है, लेट्स टेस्ट इट। ब्राउनी के साथ इसको हम खाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी वाला क्यों फील आ रहा है, कौन सा मंगाया था आपने अपना? स्ट्रॉबेरी है, रेगुलर में क्या फ्लेवर था, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी विद ब्राउनी, अच्छा है लो। अब मेरा वाला खोलते हैं, इसका भी खचीदा पचीदा निकला हुआ दिख रहा है, बट ये पूरा चॉकलेटी है, दिस इज लाइक अ केक। सो दिस इज हाउ द चोको चिप मैकफ्लरी लुक्स लाइक, ये कुछ ऐसा दिखता है 108 रुपए का, देख सकते हो आप। गाइस जो इसका हिसाब है ना, इसमें मंच चॉकलेट होती है ना उसके ऐसे क्रंची क्रंची से, पेट भी देख लो इतना खा खा के। बहुत चॉकलेटी है, जिसको चॉकलेट पसंद है वो ले सकता है, एक इंसान के लिए बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी है। अच्छा टेस्ट है, टेस्ट वो ये कि मन चॉकलेट है क्रंची सी, उसको एकदम क्रश करके इन्होंने वैनिला उसमें डाल दिया है, अंदर से भी पूरा चॉकलेटी है, सो क्वांटिटी भी सही है, दिखने में छोटी लग रही थी बट काफी क्वांटिटी है कि एक इंसान अच्छे से खा सकता है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड ये मुझे मजेदार लग रहा है। डेजर्ट तो अभी खा लिया है तो रात में क्या खाएंगे वो आप देखना, रात में हमारा कुछ हैवी होगा या लाइट होगा वो हम देखते हैं कि रात में क्या खाएंगे, भूख लगी तो इवनिंग स्नैक भी करेंगे एंड रात में कुछ डिफरेंट, ना बर्गर खाएंगे ना आइसक्रीम खाएंगे, कुछ डिफरेंट इनकी चीज ट्राई करेंगे, सो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा रात में। गाइज हियर इज माई डिनर, मैकडोनल्ड लास्ट मील ऑफ द डे, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, सो अब मैं जाऊंगी घर एंड देन विल ईट इट, सो लेट्स गो होम। सो गाइज मेरा रात का डिनर ये आ चुका है, देखो जिसके लिए चीनी भी नहीं इतनी उतावली है, नन्नू भी वेट कर रहा है इसके अंदर क्या है, सो ये मैंने मंगाया है चीनू चिकन का कुछ मंगाया है, सो एक चीनी आया है बटर चिकन ग्रिल्ड बर्गर, ये गाइस कुछ 140 रुपीज का है, सो मैं बताती हूँ 140 रुपए का बर्गर लेना वर्थ इट है या नहीं। एंड दूसरी जो चीज मैंने मंगाई है वो तो मैक पफ है, जो कि अगर आप मैकडी का चैलेंज कर रहे हो और मैक पफ ना लो तो उसकी जगह ये महंगा समोसा आप इसको कह सकते हो, तो पहले हम ट्राई करते हैं बटर चिकन बर्गर ग्रिल्ड बर्गर, सो लेट्स सी इसमें बटर चिकन वाला टेस्ट आता है या नहीं आता। इसका जो है ऊपर ऐसा बन है
पूरा अंदर मेयोनीज से फिल्ड है एंड ये जो पैटी है ये पूरी चिकन वाली पैटी है एंड नाउ लेट्स जस्ट टेस्ट इट। मुंह में जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे रोटी और चिकन को बाइट करके मुंह में डालते हैं ना, वही टेस्ट है। अंदर से देख सकते हो जो पैटी है ना उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योरली चिकन है, पूरी चिकन से है। तो इसको वैसे तो बहुत टेस्टी है, 10 में से 8 मार्क्स दे सकते हैं, बट 140 रुपए का ये बर्गर वर्थ इट नहीं है। मतलब 140 रुपए में तो चिकन ही आ जाता है प्रॉपर, सो ये बर्गर तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मील ऑफ द डे। सो ये है मैक पफ। ये जो भी मैकडी जाते हैं सबको पता है बहुत डिलीशियस होता है, काइंड ऑफ समोसा ही होता है। सो इसमें पैटी होती है, अंदर पूरा ये फिल्ड होता है पनीर से, पीस से और बहुत सारी चीजें, इसमें वेजिटेबल्स होते हैं एंड ये बहुत यम्मी होता है। आई जस्ट लव इट। सो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा यम्मी है और ये कुछ 30 रुपए का आता है या आगे 27 रुपए का आता है, सो ये वर्थ इट है, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो ये था पूरा मैकडोनल्ड फॉर 24 आवर्स। सो मैकडोनल्ड का जो बेसिकली मेरा हमेशा का ऑर्डर था मैक आलू टिक्की मील, मैं अभी भी उसी पे स्टिक रहूंगी बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा सस्ती एंड यम्मी है। मतलब 100 रुपए में आपको बर्गर फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है एंड 105 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की जगह आप उसको कोल्ड कॉफी में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी सब काफी महंगा है, जब बर्गर ही देख रहे हो 140 रुपए का सिर्फ एक बर्गर है जिसमें ना फ्राइज है ना कोक है, कुछ भी नहीं मिलता। सो मैक आलू टिक्की या फिर आप मैक पफ मील भी ले सकते हो, वो भी काफी सस्ती पड़ती है, 110-120 रुपए की पड़ती है। सो मैं हमेशा मैकडी में उसी मील के लिए जाऊंगी, बाकी डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं या तो ग्रीन टी पीऊंगी या मैं ब्लैक कॉफी पीऊंगी या फिर मैं नारियल पानी पीऊंगी सबको डाइजेस्ट करने के लिए। एंड यस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।